हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्पताल में लावारिस बच्ची मिली। रेजिडेंसी रोड से डिस्पेंसरी में आज सुबह एक बच्ची लावारिस हालत में मिली। काफी देर तक उसके परिजनों के नहीं आने पर पुलिस ने बच्ची को लवकुश आश्रम को सुपुर्द किया। पुलिस अब उसके परिजनों की तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह रेजिडेंसी रोड स्थित डिस्पेंसरी में कोई महिला एक बच्ची को छोड़कर चली गई। अस्पताल स्टाफ ने बच्ची के परिजनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। तब पुलिस को सूचना दी गई। इस पर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और बच्ची को संरक्षण में लिया। बाद में बच्ची को लवकुश आश्रम में भर्ती करवाया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्ची के परिजनों को तलाश करने में जुट गई है। किसी बच्चे ने, लड़के ने मुझे बोला, मैडम यहाँ बाहर बच्ची बैठी है, आप देख लीजिए किसकी बच्ची है। मैं बाहर गई, इधर जो देखा मुझे किसी कोई मिला नहीं। हमारे सर डॉक्टर साहब बैठे थे, ये भी देखे, हाँ बच्ची काफ़ी टाइम से बैठी है। फिर मैंने उस बच्ची को उठा के अंदर ले आई और हमारे स्टाफ के सामने हम लोग उसको खिलाने लगे। कुछ खिलाया, उसको पानी वानी पिलाया और वो बच्ची खेल रहे हैं। पिछले 2-3 घंटे से उसके कोई लेने नहीं आया है। हमने कंट्रोल रूम को भी फ़ोन कर दिया। सुबह 10 बजे हमारे सैंपलिंग की कार्यवाही चल रही थी, उसमें पाया गया कि एक बच्ची हॉस्पिटल के बाहर थी। उस स्टाफ से पूछा कि किसकी है, तो कोई लेडीज़ को छोड़ के गई थी, लेडीज़ को देखा गया था, उसके बाद वो आई नहीं। हम बच्ची को फिर अंदर लेके आए, थोड़ा उसको पानी वानी पिलाया, उसको आराम कराया, घर में बिठाया, मगर 1 घंटे तक भी कोई आया नहीं। फिर हमने इसकी जानकारी आगे पुलिस को दे दी है। आगे जो भी उचित कदम होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से उसके अपने पेरेंट्स उसको ढूंढें। आज दिन में गश्त के दौरान 1:20 पर कंट्रोल से इतला मिली कि एक अबोध बालिका जिसकी माता रेजिडेंसी अस्पताल के अंदर छोड़कर चली गई है। जिस सूचना पर मैं जाप्ता सहित पहुंचा, मैं बच्ची को देख करके बच्ची की फोटोग्राफी कर बच्ची को पुलिस संरक्षण में लिया। वह अब इसको पालन गृह में जमा करवाने की कार्रवाई करने जा रहा हूँ। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।